नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अगस्त में। आज के बात करने वाले राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का एक नोटिफिकेशन आउट हो चुका है सीईटी के बारे में। तो क्या किसमें सीईटी लगने वाला है, कब से आप आवेदन कर सकते हैं, जूनियर अकाउंटेंट में क्या क्या सिलेबस लगता है, एलडीसी में आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे सिलेक्शन लेने के लिए, राजस्थान का प्रत्येक बच्चा इस वीडियो में शामिल हो, देखें उसको जिससे आप सिलेक्शन लें। और अगर आप तैयारी मन लगाए करते हैं तो डेफिनेट आपका सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा। कब एग्जाम होने वाले हैं सर, डिसाइडेड बात करूंगा, इस वीडियो कंप्लीट देखना कितना फीस आपको लगने वाला है यहाँ पे एग्जाम फीस, ठीक है। चलिए बात करते हैं, तो ये नोटिफिकेशन देख लीजिए 10/10/2022 नोटिफिकेशन यहाँ पे आउट किया गया है। यहाँ पे RSMSSB इसका जो लिंक है PDF का, वो मैं टेलीग्राम में दे दूंगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम आपको कमेंट बॉक्स पे पिन मिलेगा। फ्रेंड्स, ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया में बताया गया आपको क्या गलती नहीं करना है, उसके बारे में बताऊंगा आपको चीजों के बारे में। देखिए, इसमें सबसे बात करते हैं फीस कितना लगेगा भाई आप भरेंगे। तो जनरल कैटेगरी के जो हैं उसमें आपको 450 रुपये फीस आपको देना पड़ेगा, ठीक है। राजस्थान के नॉन कॉमर्शियल श्रेणी, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवेदन हेतु 350 रुपये आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आप इसके अंदर आते 350 रुपये सीईटी के देने पड़ेंगे। अगर आप मन लगा के सीईटी में अगर पढ़ाई करते हैं तो डेफिनेट आपका सीईटी क्लियर हो जाएगा, ध्यान रखें। उसके बाद समस्त विशेष योगदान राजस्थान के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के आवेदक 250 रुपये यहाँ पे लगने वाले हैं। यहाँ पे जो SC ST के हैं तो वो 250 रुपये देने पड़ेंगे। और यहाँ पे बढ़ेगा परिवार की वार्षिक आय 2,50,000 रुपये से कम है के लिए अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के समान ही परीक्षा शुल्क 250 रुपये दिया गया। जिनकी परिवार की इनकम 2,50,000 से है वो भी अनुसूचित जाति में जनजाति में आने वाले, उनकी फीस यहाँ पे सेम लगने वाली है फ्रेंड्स, ठीक है। अभी ये तो ये बात की भाई, आगे बात करते हैं इसके बारे में, चीजों के बारे में। कंप्लीट नोटिफिकेशन आउट हुआ है यहाँ पे, और जूनियर अकाउंटेंट के लिए काफी बच्चे तैयारी करें उसके लिए क्या सिलेबस आएगा, ठीक है, उसमें बताऊंगा मैं आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा आपको एलडीसी के लिए, आपको कौन कौन टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे जिससे पढ़ के आप सीईटी कम से कम क्लियर कर सकते हैं आराम से, ठीक है फ्रेंड्स। इस वीडियो को देखते रहिएगा कंप्लीट भी, बिना कोई स्किप किए। चलिए, तो यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता। इसमें काफी बड़ा सवाल यहाँ पे आने वाला है, जो वन विभाग की जो भर्ती है यहाँ पे देख लीजिए, वन विभाग, ठीक है। पद का नाम वनपाल है, एज है 18 से 40। आपकी एज अगर 18 से 40 हो गई, अगर आपने 12th पास कर लिया तो डेफिनेट आप सीईटी लेवल 12th लेवल में आप इसको भर दीजिएगा। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर से, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीनियर सेकेंडरी 10+2 में सरकारी समतुल्य घोषित उत्तीर्ण का, ठीक है। मतलब आप राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर से पास आउट होने चाहिए, ध्यान रखें क्लास 12th। आगे बात करते हैं यहाँ पे अल्पसंख्यक मामताल विभाग में यहाँ पे छात्रावास अधीक्षक की पोस्ट है, 18 से 40 वर्ष में भर सकते हैं। और इसमें कुछ मांगे गए हैं, जैसे आप तो मतलब बोर्ड से रिकॉग्नाइज से पास होने ही चाहिए। साथ के साथ यहाँ मांगा गया है यहाँ पे, मैं बात करता हूँ यहाँ पे, जैसे भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक विभाग के नियंत्रण डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एक्रेडिटेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में आयोजित ओ लेवल उच्च स्तर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। ये कुछ सर्टिफिकेट जो आपके पास हो सकता है छात्रावास अधीक्षक के लिए, ठीक है। जैसे एलडीसी में काफी बच्चे तैयारी करें तो उसमें RACIT कंपलसरी है, राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट, ठीक है। तो ध्यान रखें, वो अगर आपके पास नहीं है तो वो आपको लेना पड़ेगा। ऐसे में जो बच्चे 10th पास करे तो उसके पास RACIT सर्टिफिकेट रहता ही रहता है, कोई दिक्कत नहीं रहता है फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पे चीजों के बारे में, जैसे यहाँ पे कंप्लीट प्रोसेस में बताऊंगा आपको। तो यहाँ पे आ चुका शासन सचिवालय की, यहाँ पे आ चुका राजस्थान आबकारी विभाग, पुलिस मुख्यालय, पुलिस मुख्यालय में भी यही मांगा गया आपका, आपका स्कूल बोर्ड पास होना चाहिए, 18 से 24 वर्ष इसकी आयु मांगी गई है, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखें इन चीजों को। आयु की बात करते हैं कि आयु का क्या है सर, क्या सर हमारी एज मतलब अभी आपने 12th पास किया है, क्या हम भर सकते हैं, हमारी एज 17 सही है, सब कुछ थोड़ी बहुत है, क्या हम इसके लिए एप्लीकेबल होंगे। तो कुछ यहाँ पे बताया गया आपकी एज इतनी करीब होनी चाहिए, ठीक है। तो इसके बारे में बात करते हैं, इन चीजों के बारे में। आयु सीमा, समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी स्तर के शामिल पदों की भर्ती के लिए आयु सीमा संबंधित पद से संबंधित सेवा नियमों के वर्णित अनुसार होगी। संबंधित पद के नियम अनुसार वर्णित आयु सीमा बिंदु 4 पात्र के कॉलम संख्या 4 में दर्शाए अनुसार है, ठीक है। जैसे इसमें लिखा गया है राज्य सरकार का स्टूडेंट दिनांक 23/9/2022 मतलब जो 23/9/2022 से सेवा नियम संशोधन कर आयु सीमा छूट दी गई है, इसी समान पात्रता परीक्षा सेकेंडरी में आयु सीमा छूट दी जाएगी, अधिकतम आयु सीमा में निम्न से छूट दी जाएगी, ठीक है। इसमें लिखा द पर्सन हु हैज विदिन द एज लिमिट 31/12/2020, ठीक है, जिसकी एज लिमिट 31/12/2020 शैल बी डीमेट टू विदिन द एज लिमिट 31/12/2024, ठीक है। अगर आप इसके अंदर आते हैं, अगर 18 साल आपकी एज हो चुकी है इसके अंदर, ठीक है, तो इसमें से आप एप्लीकेबल है, आप फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली फ्रेंड्स। आगे बात करते हैं यहाँ पे चीजों के बारे में, कंप्लीट प्रोसेस बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे चीज है, जैसे यहाँ पे कुछ छूट दी गई है, जैसे मान लो अनुसूचित जनजाति है, अनुसूचित जनजाति है या कमजोर वर्ग के हैं, उनको 5 वर्ष की छूट दी जाएगी, लेकिन राजस्थान का मूल निवासी वो होना चाहिए। सामान्य वर्ग के महिला अभ्यर्थी के मामले 5 वर्ष सामान्य, अगर आप जनरल कैटेगरी में महिलाएं आती हैं तो 5 वर्ष की उनको छूट दी जाएगी।
अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति में यहाँ पे 10 वर्ष की छूट दी जाएगी, लेकिन राजस्थान का मूल निवासी वो होना चाहिए महिला अभ्यर्थी है, ध्यान रखा महिला अभ्यर्थी है अगर अनुसूचित जाति जनजाति से उनको 10 वर्ष की छूट दी जाएगी, मेल को अनुसूचित जनजाति जाति से यहाँ पे 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। फ्रेंड्स चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे क्या क्या चीजों, यहाँ पे आवेदन एवं परीक्षा शुल्क जमा करने के ऑनलाइन आवेदन पत्र की भरने की अवधि, ठीक है। तो आपके जो फॉर्म है फाइनली 12/10/2022 मतलब आज हो चुकी 10 तारीख, मतलब 2 दिन बाद आपके फॉर्म यहाँ स्टार्ट होने वाले हैं। 12/10/2022 दिनांक 11/11/2022 के रात्रि 23:59 मतलब रात के 12 बजे से आपके फॉर्म यहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगे, तो आप फॉर्म का अप्लाई कर सकते हैं। 1 महीने आपके फॉर्म की डेट रहने वाली है, तब तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म भरने का पूरा प्रोसेस इस वीडियो में बताऊंगा मैं आपको, मतलब इस चैनल के थ्रू मैं बताऊंगा। इस वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, कंप्लीट प्रोसेस मैं बताऊंगा आपको। परीक्षा आयोजन यहाँ पे चीज लिखा हुआ है दिनांक 18/2/2023 से लेकर 19/2/2023, 25/2/2023, 26/2/2023 आवंटी परीक्षा केंद्रों पर आयोजित करवाई जाएगी। मतलब ये जो है आपका मतलब परीक्षा केंद्र है, परीक्षा आयोजन आपका करवाया जाएगा। देख लीजिए डेट, देख लीजिए 18/2/2023 मतलब अगले साल आपकी परीक्षा होगी, इस साल आपके फॉर्म भरे जाएंगे। मतलब है कि आपके पास खूब टाइम रहेगा, आप सीईटी की तैयारी कर सकते हैं, चाहे आप एलडीसी में सिलेक्शन लें, चाहे आप राजस्थान पुलिस में सिलेक्शन लें, ठीक है, आप जूनियर अकाउंटेंट में ले, आपको यहाँ पे तैयारी करने में पूरा पूरा मौका दिया जाएगा। फ्रेंड्स अब देखते हैं यहाँ पे 19/2/2023, 25/2 उसके बाद 26/2 के आपके यहाँ पे एग्जाम कंडक्ट होने वाले हैं। आगे बात करते हैं यहाँ पे चीजों के बारे में, विस्तृत सूचना बोर्ड की वेबसाइट एवं प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से अलग अलग दे दी जाएगी। बोर्ड के पास परीक्षा के दिनांक स्थान में परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित है। यदि परीक्षा में एक से अधिक चरणों में आयोजित की जाती है तो सामान्यीकरण नॉमिनेशन कार्यवाही की जाएगी। मतलब अगर परीक्षा एक से अधिक चरणों में अगर आपका कंडक्ट करवाया जाता है तो नॉमिनेशन की जो प्रक्रिया है वो लगाया जाएगा। नॉमिनेशन का मतलब इफ है, अगर चरणों में हुआ, अगर एक से ज्यादा चरणों में तो नॉमिनेशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये आपका पीडीएफ, अभी एक और पीडीएफ आएगा उसमें आपका साफ साफ क्लेरिफिकेशन दे दिया जाएगा कि आपका एग्जाम कंडक्ट कहाँ होगा। एडमिट कार्ड आएगा उसमें लिख दिया जाएगा नॉमिनेशन होगा कि नहीं, संपूर्ण जानकारी दे दी जाएगी। इस चैनल के थ्रू आपको संपूर्ण जानकारी दे दी जाएगी। फ्रेंड्स चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे ऑनलाइन ऑनलाइन अप्लाई के बारे में बात करेंगे, चीजों के बारे में। यहाँ पे शुद्ध लेखन सुविधा, यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की प्रक्रिया के बारे में है, जो मैं आपको फॉर्म भरते समय कुछ डिटेल बताऊंगा मैं आपको। समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी परीक्षा में स्कीम पाठ्यक्रम, आप भाई पाठ्यक्रम बताइए सर, इसका बहुत बड़ा इंतजार है, पाठ्यक्रम बताइए। हम 12th पास हो चुके हैं, पाठ्यक्रम बताइए। तो देख ली पाठ्यक्रम क्या है इसमें, राजस्थान का इतिहास, कला, सांस्कृतिक, साहित्य, परंपरा, विरासत, भारत एवं राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का विशेष बल, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, दैनिक विज्ञान, जनरल इंग्लिश, कंप्यूटर ज्ञान, सामयिक घटनाएं, ठीक है। मतलब ये जो है आपका यहाँ पे सिलेबस आने वाला है कंप्लीट, जो आप इन जो 4-5 महीने रहेंगे उसमें आप आसानी से तैयारी कर सकते हैं, कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, अनअकैडमी ज्वाइन कर सकते हैं, काफी सारी सुविधाएं जो आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। फ्रेंड्स प्रश्नों की संख्या बात की तो 150 प्रश्न आपके होंगे, कुल अंक आपके 300 होने वाले, प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 अंक यहाँ पे होने वाला है और समय आपका 3 घंटे यहाँ पे दिया जाएगा। फ्रेंड्स आगे बात करते हैं यहाँ पे चीजों के बारे में, यहाँ पे है यहाँ पे चीजें लिखी गई, यहाँ पे बोला है नकारात्मक अंक नेगेटिव मार्किंग नहीं किया जाएगा। ये सबसे बड़ी बात होगी, नेगेटिव मार्किंग नहीं किया जाएगा। अब तो आपके मन में खुशी का माहौल आ गया होगा, भाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो उसमें नेगेटिव मार्किंग ना हो ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं किया जाएगा, इसमें साफ साफ लिखा गया है यहाँ पे। और ध्यान रखें इस चीज को बारे में, सबसे बड़ी खुशखबरी यही है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। पाठ्यक्रम विवरण में बात करेंगे यहाँ पे, जो आपकी प्राचीन सभ्यताएं कालीबंगा, आहाड़, गणेश, बालाथल और बैराज, जैसे आपने क्लास 10th पढ़ा होगा, अगर आप क्लास 12th में 8 सब्जेक्ट लिए होंगे तो इसमें आपने पढ़ा ही होगा, हल्का फुल्का पढ़ा होगा, तो वही सारे सब्जेक्ट है जो आपके यहाँ पे राजस्थान सीटी में आने वाले हैं। फ्रेंड जो बच्चे कॉमर्स लिए हैं उनका थोड़ा सा प्रॉब्लम होने वाला है इनमें, ठीक है, तो थोड़ा सा वो एडजस्ट कर लेना भैया, है ना। राजस्थान है और राजस्थान का भूगोल, यहाँ पे भूगोल आने वाला है, जैसे पर्वत, पठार, मरुस्थल, मैदान, ठीक है, यहाँ पे आने जल संसाधन, खनिज संपदा, वन्य जीव, अभ्यारण्य, संरक्षण, जनसंख्या वृद्धि, घनत्व, लिंगानुपात, प्रमुख जनजातियां, ये आपने राजस्थान का जो इकोनॉमिक्स होता है उसमें आपने पढ़ा होगा, आसानी से पढ़ा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको आप पढ़ सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे राजस्थान के विशेष भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में, जैसे राजस्थान राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य विधानसभा, उच्च न्यायालय, जिला प्रशासन, राजस्थान की अर्थव्यवस्था में, ये सब आपको आने वाले हैं यहाँ पे कंप्लीट, ठीक है। चीजों के बारे में दैनिक विज्ञान में देख ली, दैनिक विज्ञान में काफी सारी चीजें हैं जो आपने 10th लेवल में पढ़े भी होंगे। फ्रेंड्स मतलब आप ये समझ समझिए कि 12th लेवल का एग्जाम है कि 12th लेवल की चीजें पूछेगा, आपके सारी चीजें 10th लेवल की ही पूछी जाएंगी, आपको टेंशन की आवश्यकता नहीं है। फ्रेंड्स दैनिक विज्ञान में आप देख लीजिए, दैनिक विज्ञान आपने पढ़ा होगा भौतिक रासायनिक परिवर्तन, जैसे हमने पढ़ा था भौतिक अभौतिक में परिवर्तन बताइए, ठीक है, तो कुछ चीजें हैं जो यार आए हैं इसमें, धातु अधातु, ठीक है, कार्बन है महत्वपूर्ण यौगिक, एनजी, प्रकाश, जैसे हमने प्रकाश के कुछ परिवर्तन पढ़े थे हमने, ठीक है, अपवर्तन पढ़े थे, यहाँ पे लेंस पढ़े थे, वो सब यहाँ पे आने वाला, आनुवंशिक यहाँ पे आने वाला है, मेंडल का सिद्धांत जैसे आपने पढ़ा था, मेंडल का सिद्धांत आपने पढ़ा था 10th लेवल में, मैंने पढ़ा था लेकिन फिर मैंने 12th में कॉमर्स ले लिया, उसके बाद ग्रेजुएशन हो गया बीकॉम से, तो
फिलहाल इतना ध्यान नहीं है, लेकिन बहुत इंटरेस्ट है साइंस में भी, तो चीजों के बारे में एक एक बात करने वाले हैं। अगर आप यहाँ पे साइंस से है ना, तो आपके लिए यहाँ पे चांदी है, बहुत ज्यादा चांदी होने वाली साइंस अगर आप हैं यहाँ पे, तो देख लीजिए यहाँ पे जो रक्त समूह है, ब्लड हो गया, पराजीवनी जीवन हो गया, पर्यावरण अध्ययन हो गया, और उसके बाद यहाँ पे आनुवंशिकी मैं बताई दिया आपको, यहाँ पे मेंडल का सिद्धांत आपका आ जाएगा, गुणसूत्र की संरचना, ठीक है, और बाकी सारी चीज पादपों का आर्थिक महत्व, ठीक है, रक्त समूह में आपका यहाँ पे बहुत चीजें आने वाली है, यहाँ पे ध्यान रखें, ब्लड ग्रुप में यहाँ पे रक्तदान, आरएच का फैक्टर, रोगाणु, मानव स्वास्थ्य कारक, ठीक है, ये काफी चीजें जो आपके बायोलॉजी चैप्टर में से पूछेंगे, रक्त समूह में से ध्यान रखेंगे। इसमें आपको पहले क्या करना है, आपको पढ़ने का तरीका बता देता हूँ आपको कैसे पढ़ना है। सबसे पहले तो आप इसकी किताब लाइए, रायसेन सीटी की किताब आती है, कि आप जाएंगे चौरस्ता जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, अगर जयपुर में रहते हैं चौरस्ता है तो वहाँ जाएंगे, वहाँ बोलेंगे रायसेन सीटी की किताब, तो आपको एक कंप्लीट बुक मिल जाएगा, एक लेखक मैं बता दूंगा डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम में लेखक दे दूंगा मैं, जो एक बेस्ट रहता है राइटर का, वो मैं आप देखेंगे, उसमें पहले चैप्टर कवर करवाएंगे, उसमें तीन चार पेज होते हैं चैप्टर के, भाई आपने चैप्टर रीड कर लिया, उसके बाद कुछ क्वेश्चन होते हैं बहुलक क्वेश्चन, मतलब बहु चयनात्मक क्वेश्चन रहते हैं, उस क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे, तो आपने अगर मान चलो ध्यान से अगर आपने पूरा चैप्टर पढ़ा होगा, तो उस जो क्वेश्चन है उसमें आप टिक मार्क कर सकते हैं, वो पूरा कंप्लीट आप पढ़ सकते हैं उससे, ठीक है, तो ये एक आपका फायदा रहने वाला है। अब बात करते हैं यहाँ पे चीजों के बारे में, तार्किक विवेचन में जैसे मानसिक योग्यता वाले क्वेश्चन आने वाले हैं, भौतिक रासायनिक परिवर्तन हो गए हैं, सॉरी ये नहीं, तार्किक विचार में मानसिक योग्यता में जैसे वैदिक विधि आ गई, जैसे आपने टेंथ में पढ़ा तो वैदिक गणित पढ़ा था आपने, ठीक है, मल्टीप्लाई करना पड़ा था आपने, ठीक है, तो गुणनखंड, बहुपद, गुणनखंड, समीकरण, ठीक है, ये आपने पढ़ा था, यहाँ पे चीजों के बारे में कंप्लीट आ गया है, यहाँ पे लैखिक समीकरण, ठीक है जी हाँ फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपका है समीकरण, लघुगणक, यहाँ पे एक बिंदु पर होने वाले कोण, रेखा, सरल रेखा, आकृति, मतलब वही टेंथ लेवल की चीजें हैं यहाँ पे, अगर आपने पढ़ा इसमें ट्रिग्नोमेट्री नहीं, हाँ ट्रिग्नोमेट्री है सॉरी, त्रिकोणमिति, सर्वसामिकाएं हैं यहाँ पे, त्रिकोणमिति अनुपात है यहाँ पे, चीजों के बारे में आपका साइन थीटा कोस थीटा यहाँ पे आने वाला है फ्रेंड्स, तो आपने टेंथ में पढ़ा होगा, तो चीजें एक तो ट्रिग्नोमेट्री में आपका एक तो सारणी वाले क्वेश्चन रहते हैं, और इसमें एक रहेगा आपका जो आपका यहाँ पे सर्वसामिकाएं वाले जो आपको समीकरण सरल करने पड़ते हैं, सूत्र विधि से वो आपका आएगा, सामान्य हिंदी में संधि, संधि विच्छेद, ये आपके आएंगे, इंग्लिश में आपका नॉर्मली आ गया टेंसेस, ठीक है, वॉइस, नरेशन, डाइट हो गया, यूज ऑफ प्रीपोजिशन हो गया, सिनोनिम्स, एनिवर्ड्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, चीजें हैं जो आगे कंप्यूटर ज्ञान में आपको यहाँ पे चीजें दे रखी है, यहाँ पे बोर्ड की वेबसाइट पे आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है, ये कंप्लीट चीजें हैं जो आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा रायसेन सीटी लेवल में, अगर आप पास करना चाहे रायसेन सीटी तो एक टेंथ लेवल के एग्जाम है, मान के चलिए मैं तो बोलूंगा नहीं ट्वेल्थ लेवल का एग्जाम, टेंथ लेवल का एग्जाम है, अगर आपने टेंथ पढ़ लिया था अच्छे से पढ़ लिया था तो कोई दिक्कत नहीं आने वाला है, बस एक बार किताब उठाइए, तीन चार महीने मन लगा के पढ़िए, गारंटी मैं कह रहा हूं कि आपका सिलेक्शन 101% हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला है। यहाँ पे जो भी रायसेन के प्रत्येक बंदा अगर यहाँ पे रायसेन सीट की तैयारी करना चाहता है, इस चैनल के थ्रू जुड़े हैं, प्रत्येक अपडेट आपको इस चैनल के थ्रू दी जाएगी, इस चैनल पे आपको स्कॉलरशिप मिलता है, जो आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण नहीं पढ़ पाते हैं, हाई स्टडी करना चाहते हैं, प्राइवेट पढ़ना चाहते हैं, तो आप इस चैनल के थ्रू मिल सकता है आपको, इसमें सारी अपडेट मैं देता हूँ, प्राइवेट स्कॉलरशिप रिलेटेड, गवर्नमेंट अपडेट देता हूँ, कट ऑफ रिजल्ट, ठीक है, वैकेंसीज के अपडेट देता हूँ, तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड को भी शेयर करना, अधिक अपडेट के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, प्रत्येक अपडेट आप सबको मिलने वाली फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो समझ में आएगा, इन्फॉर्म लगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।